हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। और अगर लाइफ में थोड़ा बहुत इधर उधर नीचा ऊंचा हो भी रहा होगा तो खैर कोई बात नहीं, वो पल भी गुजर जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी पूजा है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ करता हूँ। और आप सभी को पता है कि अभी इस वक्त हम अपने घर पर नहीं हैं, सिलीगुड़ी आए हुए हैं घूमने के लिए। तो देखिए, अभी हम तैयार होके निकल चुके हैं अपने रूम से और जा रहे हैं इस वक्त अभी हम इस्कॉन मंदिर। तो चलिए, आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ का इस्कॉन मंदिर। तो दोस्तों, अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ से इस्कॉन मंदिर का दूरी लगभग मैं 2-3 किलोमीटर दिखा रहा है मैप पर। और यहाँ के लिए हम नए हैं, तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि हम पैदल ना चल के कोई ऑटो पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, यहाँ से एक फोटो हम पकड़ लेते हैं। भैया, इस्कॉन मंदिर ये भैया वहाँ ना जत हो जाए के नामे 5 किलो के मुड़ी है तू हिलावत। इस्कॉन मंदिर चलिएगा। तो एक भैया का हम रुकवाए हैं, देखिए पूछते हैं, इस्कॉन मंदिर चलिएगा नहीं जाइएगा? कहाँ ब्लॉगिंग करते हैं भैया, ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। जाम है आगे, जाम है। हाँ, जाने नहीं, तो कैसे जाएंगे? नहीं आते हैं, उठा देते हैं, तो बाईपास होके दुर्गा मंदिर, बाईपास होके तो दुर्गा मंदिर। तो आप नहीं जाइएगा? तो एक भैया को भी रुकवाए, वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, दूसरा ऑटो देख लीजिए। तो चलिए फिर से देखते हैं किसी ऑटो वाले भैया को। इस्कॉन मंदिर चलिएगा। एक भैया तो रुके हैं, चलिए इन्हीं में बैठ जाते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर एक बात है दोस्तों कि लोग तो यहाँ बंगाली बोलते ही हैं लेकिन हिंदी भी समझते हैं, बोला चाली की भाषा में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, कोई कोई दुकान में जाते हैं या कोई कोई ऐसा लोग भेंट जाते हैं जो बिल्कुल ही हिंदी नहीं समझते हैं। बाकी कहा जाए तो मेरे हिसाब से मिला जुला कर सब कुछ अच्छा है और यहाँ के लोग भी हमें पसंद आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो बातचीत करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अभी तक। तो हम इस्कॉन मंदिर के पास पहुँच गए दोस्तों। ये रहा इस्कॉन मंदिर का बाहर का कुछ तस्वीर, जो यहाँ पे लोग कुछ ठेला वगैरह भी लगाए हुए हैं और कुछ खिलौना भी बेच रहे हैं, और इधर बंगाल पुलिस भी है जो अपना बैरिकेड लगाकर तैनात हैं। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि पूजा के लिए अगर कितना ज़्यादा भीड़ चल रहा है, और भीड़ है और हमको लगता है कि शाम तक यहाँ जगह नहीं मिलेगा जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और आप लोग को भी दिखाते हैं मंदिर का अंदर का नज़ारा कि किस प्रकार का है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये रहा इस्कॉन मंदिर का पहला नंबर गेट। ऐसे इस मंदिर में 3 गेट हैं। और यहाँ पर एक बंगाली भाषा में पोस्टर लगा हुआ है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन 10 रुपये लिखा है ये समझ में आ रहा है। हो सकता है कि चप्पल रखने का चार्ज 10 रुपया हुआ क्योंकि बाकी लोग को देख रहे हैं कि चप्पल खोल खोल के काउंटर पे दे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चप्पल रखने के लिए हम मांग लिए हैं बोरा और इसी में खोल के चप्पल हम भी जमा कर देते हैं। तो हम अपना चप्पल काउंटर पे जमा कर दिए हैं और उसके बदले में देखिए चिन्हाने के रूप में हमको ये पर्ची मिला है कि आप चप्पल जमा किए हैं, जाते वक्त यही पुर्जा उन लोगों को दिखाएंगे तो मेरा चप्पल मिलेगा। और अब चलिए मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मंदिर के प्रांगण में कितना ज़्यादा भीड़ है और अभी तो केवल 3 बज रहा है, अभी पूरा शाम बाकी है, रात बाकी है, कितना भीड़ यहाँ पर होगा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और दोस्तों, मेन मंदिर का भी देखिए 2 गेट है, इस वाले गेट से लोग अंदर जा रहे हैं और ये जो सेकंड वाला गेट है इससे लोग बाहर आ रहे हैं, और जो बीच में गैप है उसमें देखिए किताब का स्टोर लगा हुआ है। यहाँ से सिर्फ देखने से लगता है कि सिर्फ यहाँ पे
धार्मिक किताब ही बिक रहा है। और आप अभी जो ये चित्र देख रहे हैं, ये मंदिर का जो छत होता है उसमें भगवान विष्णु का विशाल काया रूप चित्र बनाया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि भगवान की मूर्ति को कितना सुंदर तरीका से एकदम सजाया गया है फूल से। और आप लोग भीड़ भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे लोग भी जो बैठे हुए हैं वो हरि कीर्तन कर रहे हैं एकदम धूमधाम से। और भगवान जी के मूर्ति के जस्ट सामने देखिए एक स्वामी प्रभुपाद जी महाराज का एक मूर्ति भी बनाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो आप सभी को भगवान से हम दर्शन करा दिए। और एक चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, लाइट एंड साउंड एग्जीबिशन, ये क्या है इसको पता करने के लिए हमको एक टिकट खरीदना होगा और अंदर जाके देखना होगा कि ये चीज़ है क्या। तो फिर देरी किस बात की, फट से लेते हैं एक टिकट और चलते हैं अंदर। तो एक अंधेरा रूम में एंट्री करते के साथ भगवान विष्णु जी का बड़ा एक मूर्ति देखने को मिला। और यहाँ मूर्ति कला और साउंड के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। तो चलिए लाइट एंड साउंड एग्जीबिशन भी देख लिए और आप लोग दिखाते हैं मंदिर के ऊपर से नीचे का नज़ारा कि कैसा दिखता है। और मंदिर के ग्राउंड में देखिए एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, हालांकि इसमें मछली सब बहुत बड़ी बड़ी है। और उसी में देखिए एक रथ बना हुआ है जिसमें 5 घोड़े से खींचते हुए ये नज़र आ रहा है। और फिर रात्रि का 8 बज गया तो देखिए और ज़्यादा भीड़ हो गया और यहाँ पे माताएं बहनें सब कीर्तन कर रही हैं। फिर हम भी सोचे कि सब कुछ में तो हम पीछे है ही हैं, कम से कम भजन कीर्तन में भी आगे रहे। फिर क्या था, सबके साथ मिलकर हम भी झूम झूम कर नाचने गाने लगे और इतना झूमे नाचे दोस्तों कि पूरा मेरा पसीना से पूरा शरीर भीग गया और कपड़ा भी भीग गया। खैर कोई नहीं, बहुत ही आनंद यहाँ पे मिला। और अब चलते हैं दोस्तों ये चेकबुक लेकर चप्पल बैंक में अपना चप्पल छुड़ाने। तो इस्कॉन मंदिर में आकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती किए दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, भजन भी किए और सभी के साथ मिलकर डांस भी किए और मन पूरा गदगद हो गया, पूरा एकदम शांति मिला यहाँ पे आने के बाद। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सभी का हमें कमेंट का प्रतीक्षा रहेगा। और यहाँ पे हम आए थे 3 बजे शाम को और अभी करीब 10 बज गया है रात और आप जा रहे हैं अपने रूम पे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।